The B team of the BJP. What is this enigma called Asaduddin Owaisi? क्या है ये नहीं ये <laughs> contradiction है एक एक तरफ तो तो तरफ B team बोल रहे हैं एक तरफ इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिना का नाम लेकर सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर इस मुल्क में मौजूद हूँ इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने जिना के two nation theory को ठुकराया उसको मुस्तरद किया उसको सही नहीं माना गलत माना और दूसरा ये कि बी टीम का इल्ज़ाम तो देखिए 2004 बल्कि 2019-1999 से उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2012 तक मैं कांग्रेस सपोर्ट करता था मेरी पार्टी मैं एम था चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के सपोर्ट किए जब बहुत अच्छा था मैं फिर 2004 में यूपीए की सरकार बनी जब 2008 में कॉन्फिडेंस uh, मोशन आया मैं सपोर्ट किया मेरी पार्टी लेफ्ट अपोज़ की बीजेपी के साथ मगर आज लेफ्ट कांग्रेस के साथ है uh, अब जब हम अपनी पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये सेकुलर पार्टीज को लगता है कि हम वोट काट रहे हैं वोट मैं नहीं काट रहा हूँ डेटा है वोट uh, इसलिए नहीं मिल रहा आपको क्योंकि आपको हिंदू वोट नहीं मिल रहा इस बात को कभी नहीं बोलेंगे इतनी इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है अब गुजरात का ले लीजिए फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री परसेंट वोट बीजेपी लेती है अगर मैं नहीं लड़ता तो बीजेपी जीतती मगर कांग्रेस के एक नेता हैं जो ज़िंदगी में कोई इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का एलेक्शन नहीं लड़े जो आपके प्रोग्राम में आए थे यहाँ पर वो इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पर तो ये इल्ज़ाम गलत है वन पार्लियामेंट सीट्स दो में कांग्रेस बीजेपी लड़ी कांग्रेस सोलह जीतती है राहुल गांधी अमेठी हार गए ये नहीं पूछता कि भाई क्या आप की कुछ अंडरस्टैंडिंग थी क्या स्मृति ईरानी के साथ जो आप हार गए और वायनाड में जाकर जीतते जहां पर तीस परसेंट मुसलमान है तो ये और मैं लड़ूंगा इलेक्शन जो भी अप्रेस क्लास हो मुसलमान हो दलित हो उनका आप बात नहीं करेंगे इंसाफ नहीं करेंगे हम लड़ेंगे इलेक्शन उसमें बुरी बात क्या है हम हराएंगे उनको इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो कोई जीतने के लिए लड़ता है किसी हराने या हराएंगे उनको सर किसको हराएंगे नहीं जो, जो कोई भी चाहे चाहे आ, बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो जो सेकुलरिज्म के नाम पर तो वोट तो ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप उनका हक हाँ नहीं देते आप तो वोट लड़ेंगे हम भाई देखिए आम आदमी पार्टी लड़ती है दिल्ली में तो कोई इस तरह का इंजाम नहीं लगता ना उनको कोई जिना बोलता तो एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी में और ये तमाम सोकॉल सेकुलर पार्टीज़ में कि कोई सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलमानों की नज़र नहीं आना चाहिए बीजेपी तो टिकट देती नहीं है और बीजेपी साफ है इस मामले में कि हम मुसलमानों को इनविजिबल कर दिए पॉलिटिक्स से आ, नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं सबका साथ सबका विकास मगर पोलिटिकली इन्विजिबल हो गए अब यहाँ पर इनको भी लगता है कि नहीं नहीं अब एम्पावरमेंट नहीं होगा मुसलमानों को आपसे वोट डालते रहिए तो ये इसीलिए इनको परेशानी है और ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हो बल्कि मैं तो ये आगे बढ़ कर कहूँगा कि अगर 14 परसेंट मुसलमान माइनॉरिटी की आबादी हमारे देश में अगर आप उनको पॉलिटिकल लैंडस्केप से गैप कर देंगे तो फिर जमहूरियत का फ्यूचर क्या होगा या आप एक अच्छा होगा कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि आप उनका नाम ही ना लें उनकी बात ही ना करें उनको उनका रिप्रजेंटेशन ना दें तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी एक क्वेश्चन पैदा हो जाएगा फ्यूचर में मैं इस सवाल पे ज़रूर आऊँगी कि क्या मुसलमानों को ये 2014 से बात चल रही है कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक अपनी पार्टी होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली उनके बारे में बोले ये क्या इलेक्टोरल रेजोनेंस है कि नहीं मैं उस पर सवाल आ, पूछूंगी ज़रूर लेकिन पहले मैं आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए हाँ आपकी पोलिटिकल बैकग्राउंड है आपकी फैमिली पॉलिटिक्स में थी लेकिन आप यू आर अ बैरिस्टर एट लॉ तो आप पॉलिटिक्स में क्यों आएँ आपका आपका गोल क्या था और क्या आप आप आई यू सैटिफाइड विद वॉट यू हैव डन फॉर योर कम्यूनिटी फॉर योर इलेक्टोरल यू नो आपकी जो इलेक्टोरल ड्रीम्स थे क्या आप कर सा कर पाए हैं अभी तक तो आ, अब तो बहुत देर हो गया अट्ठाईस साल हो गए तो अब तो कोई कुछ, कुछ कर भी नहीं सकते उस तो बारे में बट जब मैं लिंकनजन से बार की डिग्री लेकर इंडिया को वापस आया तो हमारे जो पार्टी के बड़े लोग थे हमको समझाए बोले कि देखो आ, एक पढ़े लिखे शख्स की ज़रूरत है और इस, इसको जिम्मेदारी है का काम है उठाओ आप देखो गौर करो मैं भी उसमें राज़ी हुआ इसमें ऐसा नहीं कि मुझे कोई दबाया गया तो मुझे भी आ, मैं भी इसका एक्सेप्ट किया जिम्मेदारी को मगर मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी क्या परिवार का दबाव भी था नहीं नहीं कोई नहीं था सर कुछ दबाव कोई लेगेसी इश्यूज हैं कि आपके वालिद साहब थे इसीलिए नहीं वो तो आज भी अगर मैं अपनी कॉन्स्टेंसी में जाता हूँ तो लोग मुझे आ, इतनी अट्ठाईस साल के बाद भी एक बारह साल का लड़का बोलता कि ये सालार का बेटा जाता मेरे वालिद को सालार बोलते थे तो वो तो बहुत बड़ा आ, एक एक नहीं मालूम शायद मेरी ज़िंदगी के बाद लोग कुछ बोलेंगे बट ये तो क्वेश्चन उठेगा हम लोगों को कि आप, आपके वालिद ऐसा थे या आपकी मदर फैमिली ऐसी थी तो कोई प्रेशर नहीं था मगर आ, एक जिम्मेदारी का काम है मैं शुरू में नहीं समझा था इतना इतना मुश्किल काम होगा बट अब कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है आगे तो आई यू सेटिस्फाइड कि आपने जो अपनी कम्युनिटी के लिए किया आप अब तक... नहीं यकीन अगर मुझसे 28 साल पीछे आप दोबारा दोबारा ले आकर पूछेंगे कि आप ऐसा फ़ैसला लेंगे तो मैं कहूँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँ लूँगा इस फैसले को मैं मुतमिन हूँ देखिये जो कुछ मुझे इस दुनिया में मिला है अभी तक एक तो मेरी माँ बाप की दुआ है अल्लाह का करम है और मैं पॉलिटिक्स में आने की वजह से मुझे सब चीज़ मिला है तो इसमें मैं इनकार क्यों करूँगा ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें कोई ढकी झुकी बात नहीं है और मुझे इसका कोई कोई, कोई, गर, नहीं, कोई, है, कोई नहीं नहीं गिला नहीं कोई बिल्कुल, नहीं, नहीं।, बिल्कुल नहीं।, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि यह काम ज़रूर मुश्किल काम है और जब तक आप सिंसियरली सो करते रहेंगे मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़ आपको बताता हूँ कि दो में मेरे वालद के इंतकाल के चंद हफ्तों के बाद वाटोली गांव हैदराबाद से अट्ठाईस दो धाई सौ किलोमीटर दूर उस वक्त के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर हिंदू वाहिनी के लोगों ने एक मुसलमान परिवार के छः लोगों को जला दिया था घर में तो मैं अकेले उस गांव में गया और उन लाशों को हम निकाले करे मैं वापस जब जा रहा था निज़ामबाद एक निज़ामबाद भोड़ा टाउन है उस पर अपनी गाड़ी में डीजल भरा रहा था नमाज़ फ़जर की पढ़ के आया मैं तो एक सत्तर साल के बूढ़े मेरे पास ख़रीब आके पूछे कि तुम असऊदीन अवैसी हो मैंने कहा हाँ मैं सऊद्दीन नवैसी बोले तुम सलाहुद्दीन अवैसी के बेटे हो मैंने कहा यहाँ चाचा मैं कहाँ से आ रहे बोला चाचा ऐसा वाक़ा हुआ तो कल वहाँ गया तो उस उस ज़यीफ़ बूढ़े ने मेरी ज़िंदगी को एक मकसद दे दिया उसने कहा कि तुम इस तरह का काम आ, मदद करते रहो गरीबों की मजलूमों की तो तुम्हारे वालिद ज़िंदा है अगर तुम मदद नहीं करोगे तुम्हारे वालिद मर गए तो वो बाज़ लोग अपने चंद अल्फाज से एक इंसान को एक उम्मीद दिलाते हैं और ज़िंदगी का मकसद बता देते तो मैं उस उस जयीफ़ की बात अपने जहन में आज भी रख लिया हूँ कि मैं जितना काम करता रहूँगा तो वो जो जिम्मेदारी है उसको मैं सही तरह निभा सकूँगा तो ये काम आसान नहीं है लोगों को बाहर से दिखता बहुत इसमें क्यों ग्लैमर है टी वी आ जाते हैं आप बुला लिए <laughs> <laughs> तो बट ये आसान काम नहीं है इसमें आपका कोई टाइम नहीं रहता बट जिसको इसमें शौक है और एक अखलास है उन्हीं को आ, पॉलिटिक्स में आना चाहिए मगर अफसोस ये है कि क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में इतना इतना पैसों का रोल बढ़ता जा रहा है तो अब लोग सिंसियरिटी कम होते जा रही है और उसका असर आप देख रहे हैं कैट्रीशन रेट एम का एम का और फिर पार्लियामेंट में डिबेट्स हो असम्बली में डिबेट्स हो डिबेट नाम कोई चीज़ होती नहीं है तो ये ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ, उठ रहा है और शायद जनता इसको समझेगी और पॉलिटिक्स uh, जो है भारत में इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब कोई वीकेंड नहीं होता कोई छुट्टियां नहीं होती मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों के लिए क्या आपके साथ भी ऐसे ही है कि कोई... मेरी मेरी जब शादी हुई थी छब्बीस uh, साल पहले तो दिसंबर uh, के महीने मेरी शादी हुई थी और 6 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ था uh, बाबरी मस्जिद के लिए तो मेरी ही असम्बली कॉन्स्टिट्यूसी के जिस पुलिस फायरिंग में लड़के का नाम असद था वो मर गया हुँ. तो मैं उस वक्त असम्बली में एकम्बली रूल्स में 302 जीरो टू मोशन हुआ था डिबेट के लिए मैं जाकर नायडू सीएम थे मैं सर इस पर डिबेट करवाई है तो ज़बरदस्ती चंद्रबाबू नायडू क्या किए कि मेरी शादी के दूसरे दिन सुबह में वो डिबेट को रखे और मुझे जाना पड़ा सुबह इसम्बली को मैं रात में मेरी शादी हुई सुबह इसम्बली को गया मैं बहुत गड़बड़ हुई अकेले मिले था गवर्नमेंट ऑर्डर हुई इंक्वायरी ऑर्डर हुआ एग्ज्रेशा मिला करा तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ये आपको काम करना पड़ेगा आपको मेहनत करना पड़ेगा और मैं ट्वेंटी फोर आवर्स तो नहीं बल्कि जब ज़रूरत है उस वक्त तो आपको द अकेज़न कम्स आपको राइज करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा